वहीं अगली खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से है, जहां मिर्जावाली मेयर के गेहूं खरीद केंद्र पर किसानों से अवैध कटौती और वसूली के विरोध में धरना प्रदर्शन किया गया। युवा किसान नेता महंगा सिंह ने बताया कि मिर्जावाली मेयर में बनाए गए खरीद केंद्र पर फैक्ट्री मालिक की ओर से प्रति क्विंटल 1 किलोग्राम गेहूं काट तथा 20 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है, जिससे किसानों में भी भारी रोष है। अवैध वसूली करने वालों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किसानों ने संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दे दी है, परंतु अभी भी धड़ल्ले से अवैध वसूली जारी है। किसानों का कहना है कि जब तक अवैध वसूली बंद नहीं होगी धरना जारी रहेगा, जिसकी तमाम जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। हनुमानगढ़ से राजदन पारिक की रिपोर्ट। आज हम पहुंचे मिर्जावाली मेयर श्याम कॉटन फैक्ट्री में। यहां पर गेहूं के नाम पर किसानों के साथ में बिल्कुल शरेआम में जो लूट की जा रही है, उसके संबंध में जब किसान भाइयों ने कल बताया कि यहां अवैध रूप से गेहूं प्रति क्विंटल के हिसाब से 1 किलो गेहूं और 20 रुपए की कटौती की जा रही है, और जिसको नगद जहां जो फैक्ट्री के मालिक है वो वसूल रहे हैं, जो कि बिल्कुल अवैध रूप से गैर कानूनी है।